बाजीगर मूवी का अभी नेक्स्ट सीन देखना है हमें कि आखिर क्या होता है। ये जो विक्की जब आया था उसका पुराना दोस्त शराब पी के बोलता है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, नाच रहा है। जैसे ही पता चला भाई की धुलाई जो की है ना भाई हमारे शाहरुख खान ने, तो बड़ा हम हंसे। अभी आगे देखते कि क्या इसने भी मौत को दावत दी है क्या, जिसको भी पता चलता है वो जाता है भाई। अभी प्ले करते हैं। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं। आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। विक्की मल्होत्रा इसका नहीं, मेरा नाम है। ये झूठ बोल रहा है। अजय, ये सोचने का नहीं फैसले का वक्त है। तुम यहां चोपड़ा के खानदान को खत्म करने आए थे, उसे बर्बाद करने आए थे। प्रिया का प्यार तो महज एक इत्तेफाक था। जब भी तुमने अपने मकसद को अंजाम देना चाहा, तुम्हें प्रिया के प्यार ने रोका। लेकिन जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा, वो तुमसे नफरत करेगी। नफरत, नफरत। अजय, तुम्हारा मकसद सिर्फ चोपड़ा की बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी। ये सब क्या है सर? विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा। याद आया, उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी, और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक गुस्सा पाई जैसी हो गई है, जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। हाँ?
आउट। तीन साल पहले जो बैंगलोर एयर क्रैश हुआ था उसमें मिस्टर एंड मिसेस केएल मल्होत्रा भी थे, क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? ठीक है। उनका पता है 52B शांति कुंज वर्सोवा रोड बॉम्बे 58। आइए, मैं जानता हूं कि तुम यहां ये जानने के लिए आई हो कि असली विक्की मल्होत्रा कौन है। असली विक्की मल्होत्रा मैं हूं, और वो जो तुम्हारे साथ था उसका नाम अजय है। वही अजय जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी हर परेशानियों में मैंने उसका साथ दिया। उसी अजय ने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया, दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने दोस्त पर। मेरे एहसानों का यह बदल चुका है, समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विक्की मल्होत्रा क्यों कहता है। तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरा मंगेतर है। झूठा है वो, और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर उसकी मां से पूछो, जो आज भी पनवेल में सेक्टर 12 में रहती है। जय शर्मा,
नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी हर खुशी का हिस्सेदार बनाया और इसके बदले में तुमने हमें ये सुना दिया। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें भीख में दे देते।